हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम शुरुआत करने वाले हैं एक नए चैप्टर की। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिजनेस लॉ, जो आपके सीए फाउंडेशन लेवल पर एक पूरा सब्जेक्ट है। इस बिजनेस लॉ के अंदर आपको बहुत सारे एक्ट्स दिए गए हैं, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको दिया गया है, आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट दिया गया है। इसके अलावा दो एक्ट नए हैं, LLP एक्ट भी आपको पढ़ना है, पार्टनरशिप एक्ट पुराना ही है, और कंपनीज एक्ट को भी यहाँ पर थोड़े बहुत सेक्शंस आपको दे दिए गए हैं इंट्रोडक्शन के साथ। So, इतने एक्ट्स हैं जो आपको पढ़ना है। ऑलरेडी जो हम फिनिश कर चुके हैं वो है, हमने LLP को पूरा समझ लिया है, पार्टनरशिप एक्ट को आज इस वीडियो के साथ में हम शुरुआत करेंगे। 1932, जी हाँ, द पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपको यहाँ पर सीए फाउंडेशन लेवल पर पढ़ना है। तो आज इस सबसे पहले वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपका चैप्टर नंबर 3 का सबसे पहला यूनिट है, जिसका नाम है द जनरल नेचर ऑफ अ पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप होती क्या है, पार्टनर्स कौन होते हैं, पार्टनरशिप कितने टाइप्स की होती है, पार्टनर्स कितने टाइप्स के होते हैं, आखिरकार ये पार्टनरशिप एक्ट कैसे आया, क्या इससे पहले और कोई भी एक्ट था, पार्टनरशिप की क्या क्या बेसिक फीचर्स होते हैं, ये सब तमाम चीज़ें आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। कोशिश करेंगे यूनिट 1 पूरा हम यहाँ पर डिस्कस कर लें इसके क्वेश्चंस के साथ में, तो आपका पूरा कंप्लीट रिवीजन यहाँ पर हो जाएगा और आपको ये फाउंडेशन लेवल के लिए इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक यूनिट 1 क्लियर हो जाएगा, यू विल बी थ्रू विद दिस। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी। सो दोस्तों, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इस एक्ट का नाम है। हर एक्ट का एक पर्पस होता है जिसके लिए उसको बनाया जाता है, राइट? तो सबसे पहले हमारे पास में था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कौन सा, ICA जिसे हम कहते हैं। नाउ दिस एक्ट के अंदर सब कुछ पहले कवर किया जाता था, बट धीरे धीरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से चीज़ों को बाहर निकालना शुरू कर दिया और वहाँ से फिर अलग अलग सेपरेट एक्ट्स बनना चालू हो गए। सो इस पार्टनरशिप कंसर्न के लिए यहाँ पर इस सेपरेट एक्ट को क्रिएट किया गया, जहाँ पर समझाया गया कि पार्टनरशिप आखिरकार किन लोगों के बीच में हो सकती है। जब कोई दो या दो से ज़्यादा लोग पार्टनरशिप के अंदर है तो मतलब उनके क्या म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज़ होती है, वो एज ए बिजनेस एंटिटी क्या काम कर सकते हैं, उनके क्या लिमिटेशंस होंगे, किसकी कितनी लायबिलिटी होगी, ये सब चीज़ों को उस एक्ट के अंदर डिसाइड किया गया है और हमें वही पढ़ना है जो आपके लेवल के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सो सबसे पहली बात, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हम हमेशा की तरह यहाँ पर मॉड्यूल से ही पढ़ने वाले हैं, ना ज़्यादा ना कम। जो भी मॉड्यूल में आपके कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम स्टेप बाय स्टेप कवर करते जाएंगे, जितना आपको एग्जाम में क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ेंगे। सो यहाँ 3.1 टिपा, यानी कि द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसे मैं टिपा कहता हूं। सो ये टिपा आज हम पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहली यूनिट जो आपको दिख रही होगी दोस्तों, वो है जनरल नेचर, राइट? यहां पर सिर्फ हम नेचर समझेंगे, पार्टनरशिप होती क्या है। सी, यहां पर टोटल 3 यूनिट्स के अंदर इस पूरे चैप्टर को डिवाइड किया गया है, ठीक है? तो सबसे पहली यूनिट आज हम देखने वाले हैं, तो लेक्चर नंबर 1 में पहली यूनिट हम डिस्कस कर लेंगे जिसमें हम जनरल नेचर आज समझ लेंगे, ठीक है? उसके बाद में यहां पर दूसरी यूनिट आएगी, दूसरी यूनिट में और भी कुछ दूसरे पॉइंट से, और 3 यूनिट के साथ में ये पूरा टिपा खत्म हो जाएगा, ठीक है? अब मेन बात ये है कि जनरल नेचर में आता क्या क्या है, तो कोई बात नहीं, हम यहां पर देख लेते हैं जनरल नेचर में क्या क्या आएगा। देखिए, सबसे पहले सर आप पार्टनरशिप एक्ट समझा रहे हैं तो आप हमें ये बता दीजिए कि ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो एक पार्टनरशिप को पार्टनरशिप बनाता है, तो हमें एलिमेंट्स यहाँ पर समझने होंगे, एलिमेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो फर्म आपने बोला सर, तो पार्टनरशिप, पार्टनर्स, फर्म, ये सब टर्म्स क्या होती है, थोड़ा सर हमको ये भी समझा दीजिएगा। बिल्कुल, आपको साथ में ये भी समझा देंगे। सो एलिमेंट्स हो गया पार्टनरशिप, और इन टर्म्स के साथ में आप थोड़े से रूबरू हो जाएंगे यहाँ पे। फिर आपको समझना होगा कि आखिरकार ये पार्टनरशिप फर्म जो एक एंटिटी है, PF में लिख देता हूँ, हाउ इज़ दिस डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अदर फॉर्म में सर क्या क्या आता है, जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी जिसे बोला जाता है, ठीक है? तो ये जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है वो हम समझेंगे, क्लब क्या होता है वो हम समझेंगे। ऐसे 2-3 तरीके के अलग अलग बिजनेस एंटिटीज़ के साथ में हम यहाँ पर एक पार्टनरशिप फर्म को डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको क्लैरिटी आएगा कि पार्टनरशिप फर्म कैसे अलग होता है और बाकी सब का नेचर क्या होता है। सो इस पूरे यूनिट में आपको पार्टनरशिप का एक पूरा आइडिया आ जाएगा, मीनिंग क्या है, टाइप्स क्या है, टर्मिनोलॉजीज क्या क्या होती है, डिफरेंस यहाँ पर क्या क्या होते हैं दूसरे फॉर्म्स में और एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर, ये सब चीज़ें आज हम समझेंगे। जो मैंने आपको बोला है वही चीज़ यहाँ पर देखिए कवर की गई है। व्हाट इज पार्टनरशिप,
उसके में हम देखेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया, और उसके बाद आएगा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसका नाम है बच्चों यहाँ पर ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। मतलब कि आखिरकार आपने एलिमेंट्स तो बोल दिए सर, बट ऐसे कौन सा एलिमेंट है जो सही मायने में एक पार्टनरशिप को टेस्ट करने के लिए हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पर सही एग्जांपल ले या फिर हम इसको समझने की कोशिश करें कि कोई भी आपको बोल दे कि हम पार्टनरशिप के अंदर है, तो क्या पार्टनरशिप के अंदर है तो हम ऐसा कौन सा क्वेश्चन उनसे पूछे कि उससे ये प्रूफ हो जाए कि यस ये पार्टनरशिप में है। वो पॉइंट यहाँ पर ट्रू टेस्ट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। सो एसेंशियल एलिमेंट्स हो गया, देन ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप हो गया, फिर जैसे कि मैंने आपको कहा था हम डिस्टिंक्शंस यहाँ पर पढ़ेंगे। तो किस किस में देखिए, जॉइंट स्टॉक कंपनी, क्लब के साथ में, HUF के साथ में, को ओनरशिप के साथ में और एसोसिएशन के साथ में, इतने टोटल 5 डिफरेंट एंटिटीज के साथ में हम यहां पर एक पार्टनरशिप फर्म का डिफरेंशिएशन देखेंगे। देन एट लास्ट हम देख लेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कहिए या फिर टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप कहिए, ये दोनों चीजें हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स सी व्हाट इज पार्टनरशिप आफ्टर ऑल। सो हम यहां पर चालू करने वाले हैं डेफिनेशन के साथ में। तो पार्टनरशिप, पार्टनर, फर्म एंड फर्म नेम, ये सब हमको मालूम होना चाहिए। सो अब यहाँ पर पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन दी गई है उसको हम थोड़ा सा ब्रेक करेंगे। देखिए, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। तो सर कितनी चीज़ें यहाँ पर हो गई, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट हो गया रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्संस, बराबर है, ठीक है सर। ये दो या दो से ज़्यादा लोग तो हमको चाहिए जो सर क्या कर रहे होंगे, बिजनेस कर रहे होंगे, तो बिज़नेस होना भी इम्पॉर्टेंट है। क्या बिज़नेस सर कोई प्रॉफिट के लिए कर रहे होंगे, यस, तो प्रॉफिट भी इम्पॉर्टेंट है, बराबर है। तो सर प्रॉफिट भी हो गया, बिज़नेस भी हो गया, और सर उसको कैरी कौन कर रहा होगा, यानी कौन चला रहा होगा, कैरीड ऑन बाय या तो ऑल या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इतने सारे पॉइंट्स होंगे और ये सब चीज़ें मिलेगी तो ही एक पार्टनरशिप पार्टनरशिप कहलाएगी। मतलब सीधी सी बात है कि दो या दो से ज़्यादा लोग जब मिलकर आपस में एग्री करते हैं कोई बिजनेस करने के लिए, और वो बिजनेस को चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं दोस्तों, दैट इज़ विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड दैट कुड बी कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। ऐसा क्यों बोला गया है, क्या यहाँ पर सबके सब पार्टनर्स, इस पॉइंट से हमको समझ में आता है कि एक्टिव होंगे ज़रूरी है क्या, नहीं, कुछ पार्टनर एक्टिव हो सकते हैं, कुछ पार्टनर स्लीपिंग हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कि सारे काम करें जरूरी नहीं है, कुछ पार्टनर्स किसी के बिहाफ पर काम करेंगे, कोई बिल्कुल काम करेंगे नहीं। इससे हमको समझ में आता है कि टाइप्स ऑफ पार्टनर्स तो हमको पढ़ने पड़ेंगे सर, ठीक है। तो चलिए ये चार पॉइंट हो गए, तो डेफिनेशन हमने समझ ली है पार्टनरशिप की। पर्संस हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर कॉल्ड इंडिविजुअली पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली अ फर्म, और सबको मिला देंगे तो हम क्या बोलते हैं, उनको एक फर्म बोला जाता है। एंड द नेम अंडर विच देयर बिजनेस इज कैरिड ऑन इट्स कॉल्ड फर्म्स नेम, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी बात थी। मतलब इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या हो गए हैं सर, तो देखिए इंपॉर्टेंट एलिमेंट में ये हो गया है, पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। सबसे पहली बात, हमको चाहिए दो या दो से ज्यादा लोग, ठीक है। तो टू और मोर पर्सन का जो ये एसोसिएशन है उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। द पार्टनरशिप मस्ट बी अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, ओके। तो सर यहाँ पर मतलब एग्रीमेंट होगा, ये बात पक्की है, यस, यहाँ पर एग्रीमेंट होगा। तो एग्रीमेंट एक एसेंशियल एलिमेंट हो गया। एंटर्ड इनटू बाय ऑल, मतलब जितने पार्टनर्स हैं उन सबका साथ में, सबके साथ के साइन लेकर एक एग्रीमेंट तैयार किया जाता है, ठीक है। नाउ पार्टनरशिप इज ऑर्गेनाइज्ड टू कैरी ऑन सम बिजनेस, बिजनेस भी होना जरूरी है, तो ठीक है सर, बिजनेस एलिमेंट हम देख चुके हैं। द एग्रीमेंट मस्ट बी टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, ओहो सर मतलब कि सम बिजनेस कर रहे हैं, ओके। तो सर बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट ही होगा क्या, क्या यहाँ बिजनेस में कभी लॉस नहीं होगा क्या? बिल्कुल सर, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, बट सर यहाँ पर लॉसेस तो अपने अपने हिसाब से रहेंगे, सही, कितने रहेंगे सर? हमको पता है जब हम LLP पढ़ के आए थे 2008 एक्ट, तब आपने हमको बताया था कि जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932 का, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनकी जो लाइबिलिटी रहती है वो अनलिमिटेड रहती है। तो सर जितना भी लॉस होगा उन सबको बेयर करना पड़ेगा अनलिमिटेड तरीके से, बट सर यहाँ पर LLP में जो लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की वो लिमिटेड ही होती है, इसलिए इसको लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बोला जाता है। इसलिए सर यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट की बात करी
रही है कि यहाँ पर जो भी एग्रीमेंट होगा उस एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ होना चाहिए कि हम लोग साथ में इसीलिए आए हैं कि बिजनेस करेंगे, और बिजनेस करेंगे तो हम प्रॉफिट भी शेयर करेंगे ना। तो सर प्रॉफिट शेयर करना इतना इंपॉर्टेंट है एक पार्टनरशिप के लिए? यस बच्चों, हम आगे केस स्टडी देखेंगे जिसमें आपको समझ में आएगा कि वाई ये शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट को यहाँ पर मेंशन किया गया है एज एन एलिमेंट। ठीक है, ये चार एलिमेंट हो गए। पांचवा, द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये तो छोटा सा पॉइंट है, ये हम समझ लेंगे आगे। तो एग्रीमेंट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट शेयर की बात होनी चाहिए, एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्संस होना चाहिए, ये सब मिलाकर बनते हैं क्या? एलिमेंट। ठीक है, यही बात जो मैंने आपको पूरी यहाँ पर एक्सप्लेन करी है, नीचे इनको यहाँ पर पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको हाईलाइट करवा देता हूँ और समझा देता हूँ। लेट्स गो। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट क्या था? एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्संस, यानी दो या दो से ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे, एसोसिएशन में आएंगे तो वो पार्टनरशिप बोला जाएगा। सो टू और मोर पर्संस जब बोला है तो पर्संस मतलब कि कोई लीगल पर्सन होना चाहिए। लीगल से मतलब यह है कि जो इन द आईज ऑफ लॉ एक सही मायने में पर्सन की डेफिनेशन में फिट बैठता है, राइट? सो यहां पर क्लियरली पहले यहां पर लिखा हुआ है कि एग्रीमेंट होगा, ठीक है, ओनली पर्संस रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ एग्रीमेंट में एंटर हो सकते हैं। सो ये एक पार्टनरशिप फर्म जो है, जो पार्टनरशिप फॉर्म और LLP के बीच में सबसे बड़ा यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर खड़ा होता है डिफरेंशिएशन का, वो क्या है दोस्तों? कि LLP अपने आप में एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो अपने आप में परपेचुअल सक्सेशन रखती है, उसका कॉमन सील भी है, वो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन भी है। ठीक है, ये सब शॉर्ट फॉर्म्स नहीं होते, मैंने आपको सिर्फ लिखने के लिए समझाया है। अब एट द सेम टाइम जब हम बात करेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के बारे में, ठीक है, टिपा जिसे हम कहते हैं, तो यहाँ पर इस फर्म की क्या कोई यहाँ पर लीगल आइडेंटिटी है क्या? नो, मतलब कि नो लीगल आइडेंटिटी होने की वजह से क्या ये अपने लॉ की नज़रों में एक सेपरेट लीगल पर्सन है क्या? तो ये बिल्कुल भी नहीं है। Hence, एक कोई फर्म जो एक लीगल पर्सन ही नहीं है वो क्या पार्टनर बन सकती है? नो। तो जब यहां पर टू और मोर पर्संस बोला गया है तो हमको सबसे पहले एक फर्म को यहां से बाहर निकालना पड़ेगा। यस, तो फर्म क्या पार्टनर बन पाएगी? नो। तो फर्म को क्रॉस कर दीजिए। लिखा हुआ है देयरफॉर अ फर्म सिंस इट इज नॉट अ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड इन द आईज ऑफ लॉ कैन नॉट बी अ पार्टनर। एट द सेम टाइम क्या एक माइनर पार्टनर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। बट सर हमें याद है जब आपने डिफरेंशिएशन बताया था हमको LLP और टिपा के बीच में, तो आपने ये बोला था सर कि LLP में माइनर नहीं बन सकता बट माइनर यहाँ पर पार्टनर बन सकता है, ऐसा क्यों बोला गया था? तो जनरली तो माइनर नहीं बन सकता है, बट सबके सब पार्टनर्स अगर साइन कर दे और वो एडमिट कर दे कि फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप हम माइनर को लेना चाहते हैं तो वो सब ले सकते हैं, बिल्कुल भी वहाँ पर रुकावट नहीं है। बट जो माइनर है वो सिर्फ प्रॉफिट के शेयर के लिए आएगा, वो लॉसेस के शेयर के लिए कभी भी नहीं आ सकता है। सो माइनर कभी भी शेयर ऑफ लॉस के लिए पार्टनरशिप में नहीं आएगा, ओनली फॉर द शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा। ऐसा क्यों होगा सर? तो फैमिलीज जो होती है या फिर जो पार्टनर्स होते हैं वो चाहते हैं कि अपने फैमिली वालों को भी प्रॉफिट दे, तो वो अपने फैमिली के माइनर यानी बच्चों का नाम भी पार्टनरशिप में जोड़ देते हैं ओनली फॉर द सेक ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट। ठीक है, सो यहां पर कितनी चीजें हो गई, फर्म बाहर हो गया और एक माइनर पर्सन बाहर हो गया। बट अगर माइनर को रखना चाहते हैं सबकी कंसेंट ले लीजिए, काम हो जाएगा। किसके अंदर? पार्टनरशिप फर्म में। LLP में क्या कंसेंट के बाद भी हो सकता है? नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, सो अब ये हो गया नंबर ऑफ पर्संस के बारे में बात। बट सर आपने ये नहीं बताया नंबर ऑफ पर्संस कितने, यानी हम कितने चाहे उतने रख सकते हैं क्या? तो मिनिमम की अगर हम बात करें तो मिनिमम तो सर हमको टू चाहिए, ये हमको पता है सर। ठीक है, क्योंकि दो के बिना तो काम होगा ही नहीं। और सर मैक्सिमम की ऐसी कोई लिमिट थी नहीं, बट यहाँ पर लिमिट को 50 पर रख दिया गया है और आगे जाके यही लिमिट सर 100 पर आ गई है। ठीक है, सो इस तरीके से आपको ये लिमिट भी याद रखनी होगी। ठीक है, तो ये हुआ 50 और 100 वाला फंडा एंड मिनिमम दो लोग हमको चाहिए। अब एग्रीमेंट की अगर बात करेंगे तो ठीक है, एग्रीमेंट कैसा है? इट मे बी ओरल और इन राइटिंग, दोनों चीज़ें हो सकती है, बट राइटिंग को ही प्रेफर किया जाता है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, और एग्रीमेंट सब लोगों के बीच में होता है, सभी जितने लोग कंसर्न है उनके वहाँ पर सिग्नेचर्स चाहिए रहते हैं, और बस इतनी सी बात है एग्रीमेंट के अंदर। बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो बिजनेस हमेशा होता है, किया जाता है, होता नहीं है, किया जाता है, यानी कि बिजनेस का जो मेन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है? टू अक्वायर गेन, बराबर है, मतलब कि एक्विजिशन ऑफ गेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जब भी बिजनेस किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहला दो प्रपोजिशंस है। ठीक है, पहली प्रपोजिशन क्या है कि देयर मस्ट एग्जिस्ट अ बिजनेस,
फॉर द पर्पज द टर्म बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, उसको बिजनेस कहा जाता है. बट द एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस इज एसेंशियल, ये बात तो पक्की है. सेकेंडली द मोटिव ऑफ द बिजनेस इज वॉट, जो मैं आपको बोला प्रॉफिट कमाना भाई हो, एक्विजिशन ऑफ गेन, तो ये भी जरूरी है. विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप, देयरफॉर देयर कैन बी नो पार्टनरशिप, ध्यान रखिए, देयर कैन बी नो पार्टनरशिप वेयर देयर इज नो इंटेंशन टू कैरी ऑन द बिजनेस एंड टू शेयर द प्रॉफिट देयर ऑफ. तो अगर आप कह रहे हैं कि हमारा सर बिजनेस तो है और इसके लिए हम हमारी पार्टनरशिप फर्म को बनाना चाहते हैं, तो सर बिजनेस का मोटिव ही होता है प्रॉफिट. तो अगर प्रॉफिट कमाना आपका उद्देश्य नहीं है, मतलब आप NPO हो या फिर आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में NGO चला रहे हो, सेक्शन 8 कंपनी है, तो आप कभी पार्टनरशिप फर्म नहीं बन पाएंगे. प्रॉफिट होना चाहिए, बिजनेस का मेन मोटिव यही है और इस प्रॉफिट को शेयर करने के लिए आप इस पार्टनरशिप फर्म को बनाते हैं तो बहुत ही खुशी की बात है. आप सब कुछ लॉ के अंडर कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है. तो ये बात हुई बिजनेस की, एग्रीमेंट की और पर्सन की. आगे चलते हैं एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट. बराबर एसेंशियल फीचर है भाइयों कि प्रॉफिट को शेयर करने का यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल मकसद होना ही चाहिए. ठीक है, देयर कैन बी नो पार्टनरशिप. तो इनका कहना है कि सर अगर चार लोग हैं, 1, 2, 3 and 4, अगर सर सिर्फ एक ही पर्सन सारा प्रॉफिट ले जा रहा हो तो क्या हम उसको पार्टनरशिप बोलेंगे? नो. पार्टनरशिप कैसे हुई वो, अगर एक ही पर्सन सारा प्रॉफिट कमा रहा है, बाकी तीन क्या उसके लिए काम कर रहे हैं क्या? तो वो पार्टनरशिप फर्म कभी भी नहीं हो पाएगी. सो देयर कैन बी नो पार्टनरशिप फर्म वेयर ओनली वन पर्सन इज टेकिंग ऑल द प्रॉफिट. ओके, दिस इज लाउड एंड क्लियर. पार्टनर्स मस्ट एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स इन एनी मैनर दे चूज. वो चूज कर सकते हैं कि जितना हमने कंट्रीब्यूट किया है कैपिटल, उसके हिसाब से हमको प्रॉफिट करना है, अलग से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाना है हमको, ये सब चीज़ें. तो ये बात मैंने पहले भी क्लियर कही थी कि प्रॉफिट शेयर करना इंपॉर्टेंट है, लॉस शेयर करना कोई एसेंशियल एलिमेंट यहाँ पर नहीं है. बराबर है, क्योंकि कुछ पार्टनर्स ऐसे हो सकते हैं जो बोलेंगे यार हम सिर्फ प्रॉफिट के लिए यहाँ पर रहेंगे, हम लॉसेस को शेयर नहीं करने वाले हैं. ठीक है, सो इट इज़ ओपन टू वन और मोर पार्टनर्स टू अग्री टू शेयर ऑल द लॉसेस. हाउएवर इन द इवेंट ऑफ लॉस, अब लॉस अगर हो गया तो लॉस को कैसे शेयर करेंगे? उसी रेशियो में शेयर करेंगे जिस रेशियो में प्रॉफिट शेयर आप कर रहे थे. सिंपल सी बात है. ठीक है, तो बिजनेस होना चाहिए, पर्सन्स होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए. तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं. अब मुझे एक बात बताइए कि अगर आप किसी प्लॉट के ओनर्स हैं, बराबर है, एक प्लॉट है, एक ज़मीन है, उसको आपने रेंट पे दे रखी है और उसके टोटल चार ओनर्स हैं. ठीक है, तो वहाँ से जब रेंट आता है तो आप रेंट का बंटवारा कर लेते हैं, तो क्या ये चार लोग आपस में क्या पार्टनर्स है क्या? नहीं, ये तो ओनर्स है ना, दे आर कॉल्ड को ओनर्स. सो को ओनर्स आर नेवर पार्टनर्स. ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि कोई बिजनेस थोड़ी ना है वो, तो आपने एक ज़मीन खरीद रखी है, आपका इन्वेस्टमेंट है, वहाँ से आपको एक इनकम आ रही है. दिस इज़ नॉट योर बिजनेस. बराबर है, बिजनेस होता तो PGBP में जाएगा, ये आपका बिजनेस नहीं है, ये आपके एक प्रॉपर्टी में से आपकी इनकम आ रही है. तो को ओनर्स या पार्टनर्स हो सकते हैं? नो. तो ये एग्जांपल आप ध्यान रखिएगा. दूसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपका चैरिटेबल पर्पज़ के लिए आप कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या वो कभी भी पार्टनरशिप फॉर्म के इसमें आ पाएगा? नो. तो कोई भी क्लब है या इंस्टीट्यूशन है वो कभी भी पार्टनरशिप में नहीं जा पाएगा. ठीक है, अभी जॉइंट स्टॉक कंपनी का लिखा हुआ है, आगे वो हम पढ़ेंगे कि वो जॉइंट स्टॉक कंपनी के नॉन इकोनॉमिक प्रॉफिट के साथ में या नॉन इकोनॉमिक पर्पस के साथ में बन सकती है क्या. बिल्कुल बन सकती है, वो हम आगे देखेंगे. तीसरा एग्जाम्पल क्या दोस्तों, देखिए, एक्स और वाई buy certain bales of cotton which they agree to sell on their joint account and to share the profits equally. In this circumstances, X and Y are partners. Yes, उन्होंने एक बिजनेस चालू किया, उन्होंने कोई चीज़ साथ में खरीदी और साथ में उसको फिर बेच भी रही है और 50-50 फिर वहाँ से वो एक दूसरे से शेयर भी कर रहे हैं. तो दिस इज़ अ ट्रू फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप. ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर चार एसेंशियल पॉइंट्स हमने पढ़ लिए हैं. अगला, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्या है दोस्तों, केस लॉ है जो आपको याद रखना है और ये केस लॉ आपको कोट भी करना होगा. अगर आप आंसर में इस केस लॉ को कोट करके आते हैं मज़ा आ जाएगा. पहले देखते हैं कि केस लॉ क्या है और ये पॉइंट हमसे क्या चाहता है. अब यहाँ पर जो फिफ्थ पॉइंट है ना दोस्तों, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. अब इसके लिए ना ये जो एक वर्ड है जो आपको याद रखना है, एक्चुअली दिस कॉन्सेप्ट, इसके लिए मैं एक बड़ा सा इक्वल्स टू यहाँ पर बनाता हूँ, क्योंकि जब भी आपको ये फिफ्थ पॉइंट याद आएगा ना, एक्टिंग बाय ऑल वाला, उसके साथ में आपको एक वर्ड याद रखना है, म्यूचुअल
एजेंसी। यस दोस्तों, अब ये म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है ये हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं एलएलपी के अंदर भी, बट इसको हम यहाँ पर रिलेट करेंगे। हमने ये देखा था दैट म्यूचुअल एजेंसी दिस फैक्टर इज मिसिंग वेयर इन एलएलपी, बट दिस इज प्रेजेंट इन द केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नाउ व्हाट इज दिस म्यूचुअल एजेंसी, सो लेट मी टेल यू वन थिंग। अभी आप एक एसेंशियल एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं कि यहाँ पर इतने सारे पार्टनर है तो कोई एक पर्सन भी काम कर सकता है दूसरे के बिहाफ पर और सब लोग भी काम कर सकते हैं। नाउ स्टॉप देयर ओनली, अगर एक पर्सन काम कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल, तो मुझे एक बात बताइए, क्या उस बाकी सब लोगों ने उस एक पर्सन को काम करने की परमिशन दी होगी, रिस्क लेने की परमिशन दी होगी, डिसीजंस लेने की परमिशन दी होगी, यानी कि ट्रस्ट क्रिएट किया होगा। तो जब जब वो बिजनेस करेगा तो दोनों पॉसिबिलिटी है कि प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो क्या एक पर्सन बाकी सबके लिए डिसीजंस ले रहा है और प्रॉफिट और लॉस हो रहा है उसकी वजह से? यस। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि एक पर्सन यहाँ पर प्रिंसिपल हो सकता है और बाकी दूसरे पर्सन्स यहाँ पर क्या हो सकते हैं, उसके एजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं एजेंट हो सकते हैं। नाउ इसके पीछे रीज़न क्या है, प्रिंसिपल कौन होगा? देखिए, एजेंट वो पर्सन होता है जो आगे रह के काम कर रहा है, एक्ट कर रहा है, ठीक है, जो काम कर रहा है। और प्रिंसिपल कौन होता है? जो एजेंट के बिहाफ पर पूरा रिस्क लेने के लिए, बेयर करने के लिए तैयार होता है। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्क किसके पास है? प्रिंसिपल के पास है। और उसके बिहाफ पर काम कौन कर रहा है? एजेंट कर रहा है। सो व्हेन अ पर्सन इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पर्सन, दैट पर्सन इज एन एजेंट एंड रेस्ट ऑल द पार्टनर्स आर इट्स प्रिंसिपल। इसका मतलब ये है कि हर एक पार्टनर, अब ध्यान से सुनिएगा, हर एक पार्टनर प्रिंसिपल भी होगा और एजेंट भी होगा, बराबर है। तो वो एजेंट कब होगा? जब वो खुद एक्टिव रह के काम करेगा। और वो प्रिंसिपल कब होगा? बाकी दूसरे पार्टनर्स के लिए होगा जो उसके बिहाफ पर काम कर रहे हैं। मींस हर पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए लॉस और प्रॉफिट क्रिएट कर सकता है। इसका मतलब यह है कि एवरीवन इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। मींस अगर एक ने गलती करी तो सारे लोग यहाँ पर उसी के अंदर फंस जाएंगे, और अगर एक ने प्रॉफिट किया सबके लिए तो सब में प्रॉफिट बटेगा। इसका मतलब यह है कि ये म्यूचुअली काम चल रहा है और पूरी एजेंसी प्रिंसिपल और एजेंट के फॉर्मेट में यहाँ पर चल रही है। दिस इज द केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड नॉट एलएलपी। एलएलपी वहां पर क्लियरली उन्होंने बोल दिया है कि म्यूचुअल एजेंसी नहीं है बॉस, इसीलिए म्यूचुअल एजेंसी वहां पर बिल्कुल क्रॉस कर दी गई है। वहां पर पी टू पी इज ऑलवेज क्रॉस, मींस पार्टनर टू पार्टनर नॉट एप्लीकेबल, बट पार्टनर टू एलएलपी यस ऑलवेज। पार्टनर कैन एक्ट एज एन एजेंट फॉर द एलएलपी, राइट, ये आपको याद रखना है इन द केस ऑफ एलएलपी। इन पार्टनरशिप फर्म प्लेन एंड सिंपल वनीला म्यूचुअल एजेंसी टिक। एक पार्टनर दूसरे के लिए यहाँ पर क्या लायबल हो सकता है? यस। क्या एक की हरकत दूसरों को सबको नुकसान दिला सकती है? यस। ठीक है, अब दोस्तों याद रखिएगा जो मैं बोलने वाला हूँ, म्यूचुअल एजेंसी इज द ट्रू चेक फॉर अ पार्टनरशिप फर्म। यानी कि जब भी आपको यहाँ पर ट्रू सेंस में समझना है कि पार्टनरशिप क्या होती है, या फिर चेक करना है कि पार्टनरशिप सही है या नहीं है, सो द पॉइंट इज म्यूचुअल एजेंसी, नॉट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट, इट इज एन एसेंशियल कंडीशन और एलिमेंट, बट द ट्रू चेक यहां पर जो हमको करना है, जो अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जहां पर हम देखेंगे किस तरीके से ट्रू टेस्ट किया जाता है। सो ट्रू ट्रस्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? म्यूचुअल एजेंसी है। अब जो मैंने आपको पूरी यहां पर कथा सुनाई है वो यहां पर लिखी हुई है दोस्तों, देख लीजिए। द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स और बाय एनीवन और मोर ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल, दिस इज द कार्डिनल प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या है? देयर शुड बी अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन द पार्टनर्स। म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए सबके बीच में, जो बाइंडिंग है, सब पार्टनर्स को मानना ही पड़ेगा। एक उठ के बोलेगा, अरे भाई तूने क्या किया, ये डिसीजन लिया, सबको नुकसान हो गया ना, तो वो बोलेगा यही तो पार्टनरशिप है बॉस। एक काम करेगा, अगर गलती हुई तो सब भुगतेंगे, अगर मैं यही काम करता प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट भी लेता ना, तो अब भैया ये भी आपको सहन करना पड़ेगा। दिस इज म्यूचुअल एजेंसी विच इज प्रेजेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म बिटवीन ऑल द पार्टनर्स। एन एक्ट ऑफ वन पार्टनर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म इज इन फैक्ट एन एक्ट फॉर ऑल द पार्टनर्स। किसी एक बंदे का काम सब बंदों का काम होगा। ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस, ध्यान से सुनेगा जो मैंने बोला, हर पार्टनर एक प्रिंसिपल भी है एज वेल एज एक एजेंट भी है फॉर ऑल द अदर पार्टनर्स। ही इज एन एजेंट इन सो फार एज ही कैन बाइंड द अदर पार्टनर्स। मैं एजेंट हूँ, मतलब मैं काम कर रहा हूँ तो बाकी सबको बाइंड कर सकता हूँ, बराबर है। एंड ही इज अ प्रिंसिपल टू द एक्सटेंट दैट ही इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स। और वो प्रिंसिपल क्यों होगा? कि जब दूसरा एजेंट होगा तो मैं प्रिंसिपल होऊंगा, सिंपल सी बात है। सो प्रिंसिपल एजेंट, म्यूचुअल एजेंसी, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट,
ट्रू टेस्ट यही है, ये हमको समझ में आ गया, लिखा हुआ है म्यूचुअल एजेंसी ट्रू टेस्ट है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नहीं है। इफ़ द एलिमेंट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी इज मिसिंग दोस्तों या फिर एबसेंट, देयर विल बी नो पार्टनरशिप। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब के डी कामत एंड कंपनी के केस में क्या हुआ था, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट क्या दिया। अब यहाँ पर दोस्तों इस केस में क्या हुआ था कि एक पार्टनर है, ठीक है, इस पार्टनर को ना इन्होंने मतलब बाकी सारे पार्टनर्स हैं, लेट्स सी बी है, सी है और डी है, इन सब पार्टनर्स ने चारों ने मिलकर एक एग्रीमेंट बनाया, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बनाया जिसे हम पार्टनरशिप डीड भी बोल सकते हैं। उस डीड में उन्होंने मेंशन किया कि हमारे जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं, ठीक है, उन बैंक अकाउंट्स को ऑपरेट करना, हमारे बिहाफ पर कोई भी अमाउंट बोरो करना, ठीक है, इतना ही नहीं यहाँ पर जितने भी यहाँ पर एक्सक्लूसिव पावर्स है, कंट्रोल है, वो सब चीज़ें हम ए को देते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ए को ही पास है, ये सब लोगों ने एग्रीमेंट में डिसाइड कर लिया है। सो यहाँ पर बात ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि क्या ये अपने आप में पार्टनरशिप कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी। तो पार्टनरशिप में हमको एड एलिमेंट्स क्या क्या चाहिए, दो से ज़्यादा लोग चाहिए। क्या है इसमें, यस yes. क्या इसमें बिजनेस हो रहा है, यस yes. बिजनेस के लिए वो सब लोग साथ में आए हैं। क्या शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो रहा है, यस yes. तो यहाँ पर ये डिसाइड किया गया, सबसे पहले क्या बेसिक कंडीशंस पूरी करने दीजिए। तो बेसिक कंडीशंस में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है, शेयरिंग ऑफ लॉसेस भी है एग्रीमेंट में, यहाँ तक कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस दोनों दिया गया था। और उनके पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये भी लिखा गया था कि म्यूचुअल एजेंसी प्रिवेल करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला जब म्यूचुअल एजेंसी और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट दो पॉइंट्स ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट अवेलेबल है, तो ये और इस तरीके के डिसीजंस कि एक्सक्लूसिव पावर्स और कंट्रोल किसी एक ही पर्सन को दिए गए हैं, ये पार्टनरशिप डीड को खत्म नहीं करते हैं। आपको जो करना हो करो, किसी एक बंदे को पावर देना है दो, किसी दो को देना है दो, बट जब तक एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पर म्यूचुअल एजेंसी इन प्लेस है एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इन प्लेस है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है कि आप एग्रीमेंट में कुछ भी करिए। ठीक है, यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये डिसीजन ऐसा दिया गया कि दो एलिमेंट्स तो आपको कंप्लीट करना ही करना है। पहला कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल विद इन द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप के अंदर है, पहली चीज़। और दूसरा एग्रीमेंट में शेयर ऑफ प्रॉफिट भी था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि अगर द फैक्ट दैट द एक्सक्लूसिव पावर एंड कंट्रोल बाय एग्रीमेंट ऑफ पार्टीज इज वेस्टेड इन वन पार्टनर और द फर्दर सर्कमस्टांसेस दैट ओनली वन पार्टनर कैन ऑपरेट बैंक अकाउंट और बोरो ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म आर नॉट डिस्ट्रक्टिव, वो खत्म नहीं करेंगे थियोरी ऑफ पार्टनरशिप को। आपको जो करना हो मस्त करिए जब तक ये एसेंशियल कंडीशन फुलफिल हो रही है। सो इस तरीके से के डी कामत एंड कंपनी का केस आपको यहाँ पर बिल्कुल कोट करना पड़ेगा। सो अगर आपसे क्वेश्चन किस तरीके का पूछा गया, देखिए अगर आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया, तो अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके का आया जहां पर कोई एक ऐसी वियर्ड कंडीशंस दी हुई है कि यहां पर सभी पार्टनर्स ने एग्रीमेंट के अंदर डिसाइड किया है कि क्या कि किसी एक पर्सन को स्पेशल एक्सक्लूसिव पावर्स दी गई है, और आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि वेदर दिस एग्रीमेंट इज इन प्लेस एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और नॉट, तो आपको क्या बोलना है कि येस इट इज़ इन प्लेस, बिकॉज अगर यहाँ पर दो या तीन या चार बेसिक एसेंशियल कंडीशन फुलफिल होती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बेसिक एसेंशियल कंडीशन क्या है आपको वहां पर बोलना पड़ेगा, सबसे पहले शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट आपको वहां पर मेंशन करना पड़ेगा, बी आपको लिखना पड़ेगा म्यूचुअल एजेंसी यहां पर इन प्लेस है कि नहीं। अगर ये दोनों पॉइंट फुलफिल होते हैं तो फिर यहां पर कोई भी वियर्ड कंडीशंस दी गई हो एग्रीमेंट के अंदर, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। एंड द सेम वॉज कन्फर्म बाय सुप्रीम कोर्ट इन द लेजेंडरी जजमेंट मेड इन द केस ऑफ वॉट के डी कामत। इस तरीके से आपको आंसर बनाना होगा के डी कामत एंड कंपनी। तो काम से आपको याद होना चाहिए कि कोई भी कंडीशन हो आपका काम नहीं बिगड़ेगा, ठीक है, कोई भी काम नहीं बिगड़ेगा, इसलिए कामत एंड कंपनी आपको याद रहेगा जब तक ये दो कंडीशंस इन प्लेस है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी के साथ में हमारा ये पहला पार्ट खत्म होता है जहाँ पर हमने एसेंशियल्स ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म समझ लिया है और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन समझ ली है। सो एलिमेंट समझने के बाद में आज हम फोकस में आ जाएंगे अब ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। तो ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप में हमको पता चल गया सर, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट अ ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, बट इन फैक्ट म्यूचुअल एजेंसी इज समथिंग जिसकी वजह से हम यहाँ पर पार्टनरशिप को टेस्ट कर सकते हैं कि सही मायने में पार्टनरशिप यहाँ पर है कि नहीं है। तो आइए देखते हैं, कुछ यहाँ पर भी जजमेंट्स रहेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स रहेंगे और ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप को भी समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स गो अहेड।
So, यहाँ पर दोस्तों ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप के लिए टोटल आपको यहाँ पर 3 पॉइंट्स आपको याद करने होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कौन सा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 6 है। सो सेक्शन नंबर 6 के हिसाब से हमेशा ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप को चेक किया जाता है। तो यहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स आपको चाहिए, सबसे पहला पॉइंट अगर आपको चेक करना है कि कोई पर्सन पार्टनर है कि नहीं है, या फिर कुछ लोगों के बीच में जो अपने आपको फॉर्म बोल रहे हैं वो हकीकत में पार्टनरशिप फॉर्म है या नहीं है, ये एसेंशियल्स आपको चेक करने के लिए 3 चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी होगी। सबसे पहला कि हकीकत में उन लोगों के बीच में एग्रीमेंट था या है, सो एग्रीमेंट इन प्लेस और नॉट, ये आप सबसे पहले चेक करिए, ठीक है। एग्रीमेंट होने के बाद में अगर है या नहीं है तो आपको चेक करना है शेयर ऑफ प्रॉफिट, कि शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए क्या इन्होंने यहाँ पर एग्रीमेंट कर रखा है, कोई प्रॉफिट का इन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है कि नहीं किया है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है एजेंसी, जिसे हम कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है दोस्तों। सो सर आपने तो कहा था कि एजेंसी जो है वही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसी से हमको यहाँ पर चेक मिलेगा, ट्रू टेस्ट मिलेगा कि कोई पार्टनरशिप है कि नहीं है। यस, तो इसीलिए एजेंसी को बोला जाता है कंक्लूसिव एविडेंस। ये क्या है, ये अपने आप में एक कंक्लूसिव एविडेंस है। अगर एजेंसी इन प्लेस है तो फिर नो फर्दर क्वेश्चंस आस्क्ड, कोई दिक्कत नहीं है आपको। कंक्लूसिव एविडेंस क्या होगा, ये होगा, ठीक है। और सबसे प्राइमे फेसी एविडेंस अगर कोई है तो वो है एग्रीमेंट, ठीक है, कि यार कोई चीज़ यहाँ पर सही है कि नहीं है। तो प्राइमे फेसी अगर दिख रही है कि एग्रीमेंट है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट कंक्लूसिव नहीं है। कंक्लूसिव क्या होगा, एजेंसी उसका कंक्लूसिव एविडेंस होगा। तो ये तो प्राइमे फेसी है, बट एजेंसी कंक्लूसिव होगा अपने आप में, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि फॉर डिटरमाइनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप इट मस्ट बी प्रूव्ड दैट देयर वॉज एन एग्रीमेंट, agreement was to share the profit, business was carried on by all or any of them acting for all, that is called agency, ठीक है। so agreement है, एग्रीमेंट से ही पार्टनरशिप बनती है, स्टेटस से पार्टनरशिप नहीं बनती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर लाइन है, अगर एग्रीमेंट होगा तो ही पार्टनर्स बोले जाओगे। ऐसे तो एक HUF है जो मिलके काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, क्या वो भी पार्टनर्स हो जाएंगे क्या, नहीं वो पार्टनर्स नहीं होंगे। यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया है, जैसे The members of a Hindu undivided family carrying on a family business as such, or a Burmese Buddhist husband and wife carrying on business as such are not partners in such business. वो कोई partners नहीं बोले जाएंगे, वो HUF का business कर रहे हैं, क्योंकि status के हिसाब से यहाँ पर partnership नहीं बोला जाता है, agreement के हिसाब से बोला जाता है। इसलिए पहला point क्या हो गया, check में agreement हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, sharing of profit है। तो sharing of profit या फिर gross returns arising from property, इसका मतलब क्या हुआ, सर एक property रखी हुई है और सर यहाँ से हमको रेंट मिलता रहता है, यहाँ से हमको रिटर्न्स मिलते जाते हैं, और सर हम सब लोग शेयर कर लेते हैं इक्वली, तो सर क्या हम लोग सब पार्टनर हो गए क्या, नहीं आप सब लोग पार्टनर्स नहीं होंगे, ये तो आप को ओनर्स हो जिससे आपको एक रिटर्न मिल रहा है, दैट डज नॉट मेक यू अ पार्टनर, ठीक है। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि कोई जॉइंट या कॉमन इंटरेस्ट की प्रॉपर्टी है जहाँ से कुछ आपको रिटर्न्स आ रहे हैं, दैट डज नॉट ऑफ इटसेल्फ मेक सच पर्सन पार्टनर्स, ठीक है। द रिसीट बाय अ पर्सन ऑफ अ शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस और ऑफ अ पेमेंट कंटिजेंट अपॉन द earning a profit or varying with the profits earned by business does not of itself make him a partner with the persons carrying on the businesses and in particular the receipt of such share or payment. इसका मतलब क्या हुआ सर, बिल्कुल समझ में नहीं आया हमको इतनी बड़ी लाइन का। इसका मतलब ये है कि लेट्स से यहाँ पर टोटल 4 पार्टनर्स थे, ठीक है, ए बी सी डी, ए की डेथ हो जाती है, ये हो गया डिसीज्ड पार्टनर, ठीक है। इस डिसीज्ड पार्टनर की कौन होगी, जो वाइफ होगी वो विडो होगी। नाउ एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसके नाम पर यहाँ पर ये सब को ओनर्स थे, ठीक है, और एक विडो को भी एक पार्ट ऑफ शेयर मिलता है उसमें से, ठीक है। तो ये जो शेयर इसको मिल रहा है, क्या दैट मेक्स अ विडो लेडी अ पार्टनर इन द फर्म, नो। तो इनका कहना है कि भले ही आपको कोई भी चीज़ मिल रही हो, आपको कोई एक प्रॉफिट का शेयर मिल रहा हो, वो प्रॉफिट का शेयर बिजनेस नहीं बोला जाएगा, क्योंकि अगर वो ऐसा कुछ फॉर्मेट में आपको मिल रहा है तो देखिए, द रिसीट बाय अ पर्सन ऑफ अ शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, अगर आप को ऐसा मिल रहा है, ठीक है, प्रॉफिट अर्न बाय बिजनेस डज नॉट ऑफ इटसेल्फ, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि वो आपको पार्टनर नहीं बनाएगा, सिर्फ इतनी सी बात, डज नॉट ऑफ इटसेल्फ मेक हिम अ पार्टनर विद द पर्संस कैरिंग ऑन द बिजनेस, भले ही वो कौन हो, बाय अ विडो हो, बाय अ सर्वेंट हो, बाय लेंडर ऑफ मनी हो, अबाउट टू एंगेज इन एनी बिजनेस हो, प्रीवियस ओनर हो, उनको कोई भी पोर्शन ऑफ मनी मिले वो पार्टनर नहीं बन जाएंगे। इसीलिए शुरुआत में बोला गया था एज डिस्कस्ड अर्लियर, जो मैंने आपको समझाया था कि ये प्राइमे फेसी एविडेंस जरूर हो सकता है बट कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। सो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और ऑफ ग्रॉस रिटर्न्स अक्रूइंग फ्रॉम प्रॉपर्टी वाला पॉइंट हम समझ चुके हैं। ऑल्दो द राइट टू पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट्स इज अ स्ट्रॉन्ग टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप एंड देयर मे बी केसेस वेयर अपॉन अ सिंपल पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट्स देयर इज अ पार्टनरशिप, येट वेदर
द रिलेशन डज और डज नॉट एग्जिस्ट मस्ट डिपेंड अपॉन द होल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज. इनका कहना है कि ये भी एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है कि आप प्रॉफिट्स में कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं. अगर प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो एग्रीमेंट हो जाए, बट वहाँ पर दूसरे भी पहलुओं को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा. मतलब सेक्शन नंबर 6 को हमें पूरी तरीके से यहाँ पर समझना होगा. उस केसेस में एग्रीमेंट भी देखना होगा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी देखना होगा, एट लास्ट हमको एजेंसी को भी समझना होगा. तो चलिए अब आते हैं हम एजेंसी के बारे में बात करते हैं कि एजेंसी क्या बोल रही है. तो एजेंसी हम समझ चुके हैं सर, कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप है, ठीक है, यही कंक्लूजन तक हमको पहुंचाएगी. एक पार्टनर एजेंट भी हो सकता है और वो प्रिंसिपल भी हो सकता है. वो बिहाफ ऑफ फर्म पर एक पार्टनर एक्ट करेगा, सभी पार्टनर्स को वो बाइंड करेगा. और यही म्यूचुअल एजेंसी है जो सभी पार्टीज के बीच में एग्जिस्ट होती है. कंस्टिट्यूटिंग अ ग्रुप फॉर्म्ड विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट बाय रनिंग बिजनेस अ पार्टनरशिप मे बी डीम्ड टू एग्जिट. सिंपल सी बात है. और यही बात यहाँ पर कन्फर्म कर दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के थ्रू एक यहाँ पर जजमेंट में. और जजमेंट का नाम क्या था, संतिरन दास गुप्ता वर्सेस दासिरन मुर्जामुल का. ये जो इंपॉर्टेंट केस था उसके अंदर उन्होंने यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि देखिए पूरा सेक्शन 6 को यहां पर कंसीडर किया जाएगा. मतलब हम देखेंगे एग्रीमेंट को भी, हम देखेंगे म्यूचुअल एजेंसी को भी, ठीक है, और हम देखेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट को भी. तो अगर आप बोलते हैं कि यस सर हम तो शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए हैं सर, हम दो लोग हैं, हम दोनों ने बात कर रखी है सर कि हम प्रॉफिट को शेयर करेंगे, लॉसेस को शेयर करेंगे, वो मेरे बिहाफ पर काम कर सकता है, बट सर अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो क्या हम उसको पार्टनरशिप बोलेंगे? नहीं बोलेंगे. और यही बात यहाँ पर हुई. यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि आपके पास में कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं है टर्म्स एंड कंडीशन के कि पार्टनरशिप के एग्रीमेंट आपका हुआ था, तो हम कैसे बोले कि आप पार्टनरशिप में हो? आपने आज तक कोई अकाउंट्स ही मेंटेन नहीं करे हैं, तो हम इंस्पेक्शन किस चीज़ का करें? कोई भी बैंक अकाउंट में आपका यहां पर कोई अकाउंट खुला हुआ नहीं है पार्टनरशिप के नाम से, कोई रिटर्न इंटीमेशन आपने नहीं दिया जब आपकी पार्टनरशिप फर्म बनी, तो हम किस बुनियाद पर आपको पार्टनरशिप फर्म का एक आपको यहां पर हम टैग दे? तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया. तो भले ही यहां पर कंक्लूसिव एविडेंस क्या है, म्यूचुअल एजेंसी है, बट एट द एंड आपको सेक्शन नंबर 6 पूरा होली आपको अप्लाई करना पड़ेगा. एग्रीमेंट भी देखना पड़ेगा, म्यूचुअल एजेंसी भी देखनी पड़ेगी, और आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट भी देखना पड़ेगा. शेयर ऑफ प्रॉफिट में अगर आप आके अटक गए हैं तो फिर आप कंक्लूसिव एविडेंस के लिए आप आइए कहाँ पे, म्यूचुअल एजेंसी पे आइए कि यहाँ पर क्या एक पर्सन सबके बिहाफ पर एक्ट करने की परमिशन है क्या, एक प्रिंसिपल एजेंट बन पा रहा है क्या. ये चीज़ अगर प्रूफ हो जाए तो फिर डीम्ड पार्टनरशिप उसको मान लीजिएगा, ठीक है दोस्तों. तो ये हुआ पूरे वीडियो के अंदर जो हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली है. हमने ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप कवर कर लिया है जिसके अंदर ये तीन पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस करे हैं, क्या प्राइमा फेसी है और क्या यहाँ पर कंक्लूसिव एविडेंस है. वी आर थ्रू विद दिस. और उससे पहले हमने यहाँ पर एलिमेंट्स देखे, दो इंपॉर्टेंट केस लॉज देखे, केडी कामत का देखा. कामत यानी कि काम आपका हमेशा चलता रहेगा, कोई भी आप यहाँ पर कैसे भी कंडीशंस डालिए, जब तक एसेंशियल कंडीशंस फुलफिल हो रही है म्यूचुअल एजेंसी की और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट की, आपका एग्रीमेंट यहाँ पर चलता रहेगा पार्टनरशिप का. सो केडी कामत का और अभी वाला जो हमने केस लॉ देखा, ऐसे दो केस लॉज हमने यहाँ पर डिस्कस करें एग्जाम्पल के साथ में. हमने एलिमेंट्स को भी यहां पर समझ लिया है. इस तरीके से दोस्तों हमारा ये व्हाट इज पार्टनरशिप, एसेंशियल एलिमेंट्स एंड ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप यहाँ पर इस लेक्चर नंबर 1 में फिनिश होता है. अब लेक्चर नंबर 2 में हम यहाँ पर डिस्टिंक्शन देखेंगे और टाइप ऑफ पार्टनर्स देखेंगे. उसी के साथ में हमारा ये दो लेक्चर्स में हमारा पूरा ये यूनिट 1 समाप्त हो जाएगा. सो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप आपको वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे. अगर आ रहे हैं तो प्लीज़ ई कीड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए. देखने के लिए धन्यवाद.